हेलो डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 एनसीईआरटी सीबीएसई एंड यूपी बोर्ड वी वेलकम यू टू ओरेसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। आज के इस हिंदी वर्जन लेक्चर में हम स्टडी करेंगे चैप्टर 3 फ्रॉम फ्लेमिंगो डीप वाटर की। डीप वाटर लिखा है विलियम डगलस ने। विलियम डगलस के पहले पार्ट में हमने आपको टीच किया कि किस तरह से विलियम डगलस के माइंड में एक फियर आया और वह फियर घर कर गया। जब भी वह स्विमिंग के लिए सोचते थे तो वह फियर उनके माइंड में तरोताजा हो जाता था और उनके उस सारे प्रोग्राम और एंजॉयमेंट को स्पॉइल कर देता था जो उनको स्विमिंग के लिए आगे बढ़ाता था। इसी से संबंधित आपने जाना कि YMCA कौन सी संस्था है, YMCA पूल का क्या इंपॉर्टेंस था विलियम डगलस के माइंड में, और एक दिन अचानक जब वो YMCA पूल पर पहुंचे तो क्या उनके साथ मिस हैपनिंग हुई। आइए आज जानते हैं डिटेल में पैराग्राफ नंबर 4 से। तो यहाँ पर पैराग्राफ नंबर 4 में हम जानेंगे कि YMCA पूल पर विलियम डगलस पहुंच गए हैं। अब क्या हुआ हम यहाँ पर देखेंगे। आई वेंट टू द पूल व्हेन नो वन एल्स वॉज देयर। आई रेफर टू विलियम डगलस। विलियम डगलस उस पूल पर पहुंच गए थे और उस समय वहां पर कोई नहीं आया था। द प्लेस वॉज क्वाइट। वह स्थान बिल्कुल शांत था। द वॉटर वॉज स्टिल। पानी बिल्कुल शांत था। एंड द टाइल बॉटम वॉज व्हाइट एंड क्लीन एज बाथटब। और उस स्विमिंग पूल का जो तला था, जो पेंदी थी, जहां पर व्हाइट टाइल्स लगी हुई थी, वह बिल्कुल साफ साफ चमक रही थी। आपने व्यवहारिक लाइफ में ये समझा होगा कि जब पानी बिल्कुल स्थिर होता है और मान लीजिए कि बाल्टी में है तो बाल्टी का तला बिल्कुल साफ से दिखाई देता है। जब आप उसे स्थिर कर देते हैं, हिला डालते हैं, तो फिर आपको वह तला साफ दिखाई नहीं देता। वही कुछ इस तालाब के साथ भी था। और यह तालाब चूंकि पानी बिल्कुल शांत था, इसलिए उसका जो बात जो उसका बॉटम था वह बिल्कुल व्हाइट नजर आ रहा था टाइल्स के कलर का, जैसे कि आप अपने बाथटब में पानी भर करके शांत पानी में उसके बॉटम को देख सकते हैं। आई वॉज टिमिड एंड अबाउट गोइंग इन अलोन। मैं बहुत टिमिड मीन्स डरा हुआ था, मैं बहुत डरपोक था या मेरे अंदर दहशत थी, लेकिन और मैंने कोशिश की थी कि मैं पानी में अंदर जाऊं। इट मीन्स आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग अलोन। मैं पानी के अंदर जाने में थोड़ा डर महसूस कर रहा था। इट मीन्स पानी में एंटर करने में उनमें साहस नहीं था, इसलिए राइटर ने कहा सो आई सैट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए मैं पूल पर बैठ गया एक साइड में ताकि उस समय तक कुछ दूसरे लोग आ जाएं। यहां पर अभी राइटर आपसे एक बात शेयर करेंगे। मैं उससे पहले आपको बता दूं, जब भी हम स्विमिंग के लिए जाते हैं और जब हम स्विमिंग में बिगिनर होते हैं, तो स्विमिंग में बिगिनर होने में क्या होता है कि हमें उस समय स्विमिंग में कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है, जब तक कि वहां पर एक दो दूसरे लोग ना आ गए हों, क्योंकि अकेले स्विमिंग में कदम बढ़ाना डेंजरस हो सकता है जब तक कि हम स्विमिंग में पूरी तरह से एक्सपर्ट ना हों। यही राइटर ने भी किया। यह बात राइटर ने अपनी मदर से सुनी थी। ये चैप्टर में आपको आके पता चलेगा। तो यहाँ पर इस पैराग्राफ का हम टाइटल रखेंगे रीचिंग द पूल, यानी पूल पर पहुंचने के बाद राइटर ने क्या किया और राइटर किस समय पूल पर पहुंचे। जब हम किसी भी पैराग्राफ को टाइटल देते हैं, एंड टाइटल करते हैं, तो उससे हमें सारी डिटेल्स याद हो जाती हैं। जैसे ही हम कहेंगे रीचिंग द पूल तो आपको एकदम याद आएगा, जब राइटर पूल पर पहुंचे तो वहां कोई नहीं था, पानी शांत था, और इतना शांत था कि बाथटब का तला सफेद नजर सॉरी पूल का तला बाथटब की तरह से साफ नजर आ रहा था। राइटर डरे हुए थे अंदर अकेले पानी में जाने में, इसलिए उन्होंने वेट किया दूसरे लोगों के आने का। इसी तरह से आइए नजर डाल लेते हैं पैराग्राफ नंबर 3। पैराग्राफ नंबर 3 को हमने एंटाइटल किया है, टाइटल दिया है रिज्यूमिंग अनप्लेजेंट मेमोरीज। इसी तरह से हमने पैराग्राफ नंबर 2 को टाइटल दिया है रीजन ऑफ एवर्जन, यानी राइटर को पानी से नफरत क्यों थी। यहां पर हमने टाइटल दिया है पहले वाले पैराग्राफ को कि YMCA पूल, क्योंकि इसके अंदर YMCA पूल को लेकर के सारी डिटेल्स बताई गई हैं।
आइए अब रिज्यूम करते हैं पैराग्राफ नंबर 5। पैराग्राफ नंबर 5 में राइटर कहते हैं, आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम अ बिग ब्रूजिया ऑफ अ बॉय प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड। राइटर ने कहा कि मुझे वहां पर बैठे हुए अभी बहुत देर नहीं हुई थी, तभी एक बहुत लंबा चौड़ा बर्ली शर्ली बॉय वहां पर पहुंचा। ब्रूजियर, ब्रूजियर मीन्स अ स्पेसिमेन ऑफ गुड फिजिक। अ स्पेसिमेन ऑफ गुड फिजिक इन हिंदी यू कैन से कि सुंदर शरीर का एक अनुपम नमूना। यहाँ पर नमूना कोई हंसने वाले तौर की बात नहीं है, यहाँ पर नमूने से मतलब है स्पेसिमेन सैंपल, यानी एक बहुत ही शानदार एक्सरसाइज किए हुए शरीर का लड़का वहां पर पहुंचा, प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, जो लगभग 18 वर्ष का था। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर भारी बाल थे। ही वॉज अ ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमेन। स्पेसिमेन यहाँ पर आप ब्रूजियर का सेम मीनिंग ले सकते हैं। स्पेसिमेन मीन्स एन ग्रेट एग्जाम्पल, और वह जेंट्स या पुरुष सौंदर्य का एक अनुपम नमूना था, वह पुरुष सौंदर्य का एक विशेष प्रकार था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, रिपलिंग का मतलब है जिसमें मसल्स उभरे हुए थे, राइज किए हुए मसल्स थे, मसल्स उठे हुए थे। और उसकी ब्यूटी को इस तरह से डिस्क्राइब किया गया कि वह लड़का सुंदरता का एक अनुपम नमूना था, उसकी लेग्स और आर्म्स में शानदार मसल्स उभरे हुए थे। ही येल्ड, येल्ड मीन्स शाउटेड। हाई स्किनी, हाई स्किनी अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि स्किनी माने दुबला पतला। उस लड़के ने आकर के जो कि बहुत तगड़ा सा था उसने कहा, हे सुखड़, हाउ डू यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा रहेगा, डक्ड मीन्स इफ आई थ्रो यू, अगर मैं तुम्हें फेंक दूं। तो इस पैराग्राफ को हम टाइटल देंगे अराइवल ऑफ अ बॉय। इसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 6 पर। पैराग्राफ नंबर 6 में आप देखेंगे, विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टॉस्ड मी इनटू द डीप एंड, उस लड़के ने मुझे उठाया और उठाकर के टॉस्ड मीन्स थ्रू इनटू द डीप एंड, मुझे गहरे वाले किनारे पर फेंक दिया। एंड मीन्स पार्ट ऑफ द पूल, भाई उसके दो एंड थे पूल के, पहला एंड 2 से 3 फीट डीप था और दूसरा एंड 9 फीट डीप था। तो 9 फीट डीप वाले एंड में उस लड़के ने उठाया और बिना सोचे समझे फेंक दिया। अब यहाँ पर आप राइडर की हालत समझ सकते हैं, कहाँ तो वह पानी में पैर डालकर अभी चल चल करके पानी में अपनी ईज पैदा करने की कोशिश कर रहा था, पानी से फैमिलिटी पैदा करने की कोशिश कर रहा था और अभी अपने डर को भगा रहा था। कहां इस लड़के ने अचानक से उस राइडर को, विलियम डगलस को उठा करके कहां फेंक दिया, 9 फीट एंड पर, जो सबसे गहरा हिस्सा था पूल का। अब राइडर की दशा यहां पर डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, आई लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन। इट मीन जैसे कि कोई मानो हल्का सा बच्चा होता है और वो बैठा हुआ होता है उकड़ू, और आप उसको उठाए और पानी में फेंक दें तो वो बैठी हुई कंडीशन में ही पानी में गिरेगा और वैसे ही पानी में नीचे जाने लगेगा। इन द सेम वे आई रेफर्स टू द राइडर लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन, वह उस बैठी हुई स्थिति में पानी के अंदर चल दिए। स्वेलोड वाटर, स्वेलोड मीन्स गल्प्ड, गल्प मीन्स पानी उनके मुंह से अंदर चला गया, वह पानी निगल गए, क्योंकि आप जानते हैं जब आप पानी के अंदर जाते हैं तो एक समय तक सांस रोक सकते हैं और नया आदमी अच्छी तरह से सांस न रोक पाने की वजह से सांस लेते समय पानी को अंदर ले जाता है और वह पानी फिर दर्द करता है। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और हुआ क्या, मैं तुरंत ही नीचे बॉटम की तरफ चलने लगा। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डरा हुआ था, बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स। हमने इसको अंडरलाइन किया है, ये लाइंस आपके आंसर्स में यूज हो सकती हैं। डियर लर्नर्स, जहां हम आपको बता दें कि जब भी आप इस तरह की लाइंस को अपने आंसर्स में यूज करें तो जहां जहां आपका फर्स्ट पर्सन आया हुआ है, इस फर्स्ट पर्सन को आप थर्ड पर्सन में बदल लें, बिकॉज यू आर राइटिंग योर आंसर एंड यू आर नॉट द राइटर, यू आर डिस्क्राइबिंग द राइटर। ओके, दैट्स व्हाई आई विल बी चेंज इनटू ही एंड माय विल बी चेंज इनटू हिज एंड इन योर आंसर द सेंटेंस वुड बी ही प्लान्ड दैट द वे डाउन ही प्लान्ड व्हाट प्लान्ड
When my feet hit the bottom, I would make a long jump. जैसे ही मेरी टांगें बॉटम को टच करेंगी, वैसे ही मैं ऊपर की तरफ उछल जाऊंगा. राइटर ने नीचे जाते हुए क्या प्लानिंग किया कि जैसे ही मैं नीचे जाऊंगा, मेरी टांगे तले को छुएंगी, वैसे ही तले से मैं ऊपर की तरफ को जंप लूंगा, पैरों को नीचे टाइल्स के जो बॉटम है उस पर दबाऊंगा और ऊपर एकदम से मैं आ जाऊंगा, कम टू द सरफेस. ये बात कब थी? ये उस समय थी जब राइटर ने कहा आई वॉज फ्राइटन, मैं डरा हुआ तो था, बट नॉट येट फ्राइटन आउट ऑफ माई विट्स. विट्स मीन्स विजडम. इतना डरा हुआ नहीं था कि मेरी बुद्धि समाप्त हो गई हो. इट मीन्स राइटर का दिमाग तो काम कर रहा था, लेकिन इतना हौसला नहीं था कि स्विमिंग को वो प्रॉपरली कर सके. लेकिन कहीं ना कहीं दहशत थी. दहशत में वह स्विमिंग के सारे एक्ट तो नहीं कर पाया, उस स्विमिंग को परफॉर्म तो नहीं कर पाया, लेकिन उसने अपने बचने का एक वे सोचा. और वो वे क्या था कि जब मेरे पैर बॉटम पर टच होंगे, जब मैं 9 फीट डीप इस पूल में नीचे फर्श को जाकर के मेरे पैर छुएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपने पैरों से जमीन को पुश करूंगा, टाइल बॉटम को पुश करूंगा, बिग जंप लेकर सरफेस तक आ जाऊंगा. और जैसे ही सरफेस पर आऊंगा, मैं लाई फ्लैट ऑन इट, एक डेड बॉडी की तरह इस पानी की सतह पर फ्लोट करने लगूंगा. एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडल और पैडलिंग करके मैं पूल तक आ जाऊंगा, पूल के एज, एज मीन्स बैंक या किनारे तक आ जाऊंगा. तो ये प्लानिंग थी राइटर की. यहां पर हमने इसका टाइटल दिया रिएक्शन ऑफ द बॉय. भाई राइटर ने जितनी भी ये सारी एक्टिविटीज डिस्क्राइब की हैं या नैरेट की हैं, तो ये किस वजह से हैं? रिएक्शन ऑफ द बॉय की वजह से. तो जैसे ही आपको पैराग्राफ नंबर 6 में रिएक्शन ऑफ द बॉय याद आएगा, तो आपको एकदम याद आएगा कि एक बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय वहां पर आया था. आप जब भी पैराग्राफ को रिकॉल करें, रिमेंबर करें, तो जितनी अंडरलाइन वर्ड्स हैं और लाइन्स हैं हमारी, आप उनके द्वारा याद करें. तो बिग ब्रूजियर ऑफ अ बॉय वहां पर आया, उसने राइटर को डक्ड दिया और राइटर जो था सिटिंग पोजीशन में लैंड करने लगे. उन्होंने वाटर स्वेलो किया, वह बॉटम तक पहुंचे, वह बहुत ज्यादा डरे हुए थे, और इतने भी डरे हुए नहीं थे कि उनके विट्स काम नहीं कर रही थी. राइटर ने फिर एक प्लानिंग बनाई कि जब भी उनके फीट बॉटम को टच करेंगे, वो एक बिग जंप लेंगे और सरफेस तक आ जाएंगे, लाई करेंगे और उस पर फ्लैट जो है फ्लोट करने लगेंगे और पैडलिंग करके पूल की एज तक आ जाएंगे. Now let's begin paragraph number 7. Paragraph number 7 में आप देखेंगे, it seemed a long way down. नीचे जाते समय राइटर को ऐसा लगा जैसे कि बहुत लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है. Those 9 feet were more than 90. तो यहां पर आ जाएगा स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर. तो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ऑफ द राइटर इज अ टाइटल ऑफ दिस पैराग्राफ. तो इसमें जितनी भी फीलिंग्स एंड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी वो स्ट्रेंज एक्सपीरियंस से रिलेटेड होगी. तो 9 फीट राइटर को 90 फीट जैसा लगा. आपको कभी अगर आपने महसूस किया हो तो आप समझ सकते हैं कि दुख की घड़ी में बीतने वाला समय बहुत ज्यादा बड़ा गुजरता है. सो एज विद द राइटर एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट. अभी आपको याद होगा राइटर ने एक प्लानिंग बनाई थी कि जब मैं बॉटम को टच करूंगा तो मैं सीधे पैरों से पुश करके ऊपर की तरफ आऊंगा और कॉर्क की तरह से फ्लैट फ्लोट करूंगा, रेडी टू बर्स्ट. लेकिन ये क्या हुआ, जो राइटर को पता भी नहीं था कि बॉटम तक पहुंचने में ऐसी हालत होगी. तो वह हालत क्या थी? वह हालत थी कि उसके जो लंग्स थे वो फटने को तैयार हो गए दर्द से. बट वेन माई फीट हिट बॉटम आई समंड ऑल माई स्ट्रेंथ. समंड मीन्स कलेक्टेड, समंड मीन्स कॉल्ड. जब राइटर के पैर बॉटम से टच हुए तो उन्होंने अपनी सारी स्ट्रेंथ, अपनी सारी पावर, अपनी सारी शक्ति को इकट्ठा किया एंड मेड व्हाट आई थॉट वाज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड. और राइटर ने सोचा कि मैं ऊपर को पूरी तेज छलांग लगाऊंगा. आई इमेजिन आई वुड बॉब टू द सरफेस लाइक अ कॉर्क. और मैं एक कॉर्क की तरह से, आपने देखा होगा कि शीशे की जो शीशे की बोतल होती है उसमें ऊपर से ढक्कन की जगह एक ऐसी कोई चीज अंदर इंसर्ट की भी होती है जो गोल सी होती है, तो उसको कॉर्क कहते हैं. ये जो कॉर्क है ये आपने कभी केमिस्ट्री लैब में लगी हुई देखी होगी, ये शीशे की भी होती है. तो राइटर सोच रहे थे कि मैं कॉर्क की तरह से जो सरफेस है उस पर
तैरने लगूंगा। आई इमेजिन आई वुड बॉब, बॉब मीन्स एकदम से सरफेस पर आ जाना, चूंकि उसका वेट हल्का होता है। इंस्टेड आई केम अप स्लोली, बजाय इसके राइटर तो और ज्यादा धीमे धीमे से ऊपर आने लगे, बजाय जल्दी के वे और धीमे धीमे ऊपर आने लगे। आई ओपन माई आईज एंड सो नथिंग, जब राइटर ने अपनी आंखों को खोला तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो यहाँ पर आपको लगेगा कि जो राइटर ने प्लानिंग बनाई थी वह प्लानिंग कुछ फेल सी होती हुई प्रतीत हो रही थी। बट वाटर वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट, यहाँ पर आप देखेंगे कि वाटर के बाद यहाँ डैश लगा फिर वाटर आया, तो इसका मतलब है कि वाटर को यहाँ पर हम एम्फेसाइज कर रहे हैं, पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं, मतलब चारों तरफ पानी ही पानी था, दहशत ही दहशत थी। और जब राइटर ने आके खोला तो पानी का डर्टी मीन्स गंदा सा, येलो मीन्स पीला, टिंज मीन्स कलर दिखाई दिया। यहाँ पर डर्टी वर्ड इसलिए यूज नहीं किया गया कि पानी गंदा था, पानी में डर्टी वर्ड इसलिए यूज किया गया बिकॉज द राइटर वॉज फीलिंग हेट्रेड, पानी के लिए राइटर को नफरत हो रही थी। आई ग्रीव पैनिकी, राइटर और दहशत में चले गए। आई रीज अप एज इफ टू ग्रैब अ रोप, और मैंने कोशिश की, यहाँ रीज्ड का मतलब है कि हाथों को इधर उधर मारा, चूंकि स्विमिंग पूल में दोनों तरफ जंजीरें और कुछ रोप लटकी हुई होती हैं ताकि जो स्विमर्स को हेल्प कर सकें, और राइटर ने उनको ग्रैब मींस कैच करने की कोशिश की। एंड माई हैंड्स क्लज्ड ओनली एट वाटर, जल्दी में राइटर के हैंड्स उस जंजीर उस रोप तक नहीं पहुँच पाए और राइटर के हाथ में सिर्फ पानी ही आया। I was suffocating, means the writer was feeling very difficult to breathe. राइटर को सांस लेना मुश्किल हो रहा था। I tried to yell, yell means shout, राइटर ने shout करने की कोशिश की, but no sound came out, लेकिन उसके मुंह से कोई भी sound नहीं निकला। Then my eyes and nose came out of the water, जैसे ही राइटर धीरे धीरे करके ऊपर आए, राइटर की केवल nose ही बाहर आई, but not my mouth, मेरा मुंह पूरी तरह से बाहर नहीं आया। तो यहाँ पर हमने पाया कि राइटर ने जो प्लानिंग की थी कि मैं सरफेस को नीचे बॉटम को जा करके किक करूँगा, पुश करूँगा, ऊपर आऊँगा और तैर करके बाहर आ जाऊँगा, ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि राइटर धीरे धीरे से ऊपर आए, राइटर की केवल नोज और थोड़ी सी आईज ही बाहर आई थी और उसका मुंह भी पूरी तरह से नहीं आया था कि राइटर फिर वापस नीचे की ओर चलने लगे। इस पैराग्राफ नंबर 8 में आप देखेंगे कि I flailed at the surface of a water. Flailed का मतलब है uncontrolled. अब राइटर जो थे वाटर पर uncontrolled होकर के तैरने लगे, तैरने नहीं लगे बल्कि यह कहना मुनासिब होगा कि राइटर पानी पर uncontrolled इधर उधर डोल रहे थे। Swallowed water and choked. उन्होंने बहुत सारा पानी पी लिया और उनका गला बहुत ही choked means बंद हो गया। I tried to bring my legs up. मैंने अपनी टांगों को उठाने की कोशिश की, but they hung as dead. लेकिन टांगें तो ऐसे लटक गई थीं जैसे कि कोई भारी वेट उनके बांध दिया गया हो। Paralyzed and rigid. और टांगें बिल्कुल paralyzed का मतलब यहाँ पर है stopped working. टांगों ने बिल्कुल काम करना, एक्टिविटी करना बंद कर दिया था और बिल्कुल rigid means tough हो गई थीं, अकड़ गई थीं। हमने यहाँ पर अंडरलाइन किया था व्हाट वाज द कंडीशन ऑफ द राइटर्स बॉडी, तो आप ये लाइन यहाँ पर लिखेंगे कि राइटर की जो लेग्स थीं वो बिल्कुल डेड वेट्स हो गई थीं, पैरालाइज्ड हो गई थीं, रिजिड हो गई थीं। अ ग्रेट फोर्स वाज पुलिंग मी अंडर, कोई एक ऐसा प्रभाव था जो राइटर को नीचे खींच रहा था। आई स्क्रीम्ड, मैं बहुत तेजी से चिल्लाया, बट ओनली द वॉटर हर्ड मी, लेकिन मुझे लगा कि मेरी आवाज़ सिर्फ पानी में ही रह गई। I had started on the long way back to the bottom of the pool. अब जरा सोचिए कि राइटर ने तो ऊपर आने की बात सोची थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, यहाँ पर तो राइटर दोबारा पानी में नीचे बॉटम की तरफ जाने लगे। तो यहाँ पर हम इस पैराग्राफ नंबर 8 को टाइटल देंगे इनएक्टिव बॉडी। अब इनएक्टिव बॉडी जैसे ही आपको याद आएगा आप कहेंगे ओके, जैसे ही राइटर दूसरे राउंड में नीचे की तरफ चले वो फ्लेल्ड हो गए।
वो अनकंट्रोल्ड पानी के प्रभाव में रहने लगे, वो अपना प्रभाव पानी पर नहीं लाए, इट मीन्स वो पानी को कंट्रोल नहीं कर सके, अपनी बॉडी की एक्टिविटीज़ को कंट्रोल नहीं कर सके। पानी उनके मुंह में चला गया, उनकी टांगें पैरालाइज और भारी हो गई, उन्होंने चीखने की कोशिश की लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। अब आइए हम देखते हैं पैराग्राफ नंबर 9। आई स्ट्रक एट द वॉटर एंड आई वेंट डाउन, मैं तो पानी पर अटक गया, और एट द वॉटर मैंने पानी पर पूरी स्ट्राइक किया लेकिन कोई फायदा नहीं। आई वेंट डाउन, मैं नीचे चलने लगा। आई एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन नाइट मेयर, और मैं अपनी जो ऊर्जा थी, जो ताकत थी, उसे खर्च कर रहा था, उसे यूज कर रहा था, एज वन इन नाइट मेयर, जैसे कि कोई रात के डरावने सपने में। फाइट्स एंड इरेसिस्टिबल फोर्स, इरेसिस्टिबल मीन्स अनकंट्रोलेबल फोर्स, जैसे कि मानो सपने में आप कुछ ऐसा कर रहे हों कि आपके ऊपर कोई ना कंट्रोल होने वाली पावर आपको हराने वाली हो, और आप उससे लड़ रहे हों और आप निरर्थक प्रयास कर रहे हों, ऐसा उसे फील हो रहा था। इट मीन्स पानी में नीचे जाते समय उसको पानी के साथ अपनी एक्टिविटीज यूजलेस साबित हो रही थी। आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ, मेरी पूरी सांस जा चुकी थी। माई लंग्स एक्ट, मेरे लंग्स दर्द कर रहे थे। माई हेड थ्रॉब्ड, मेरा जो हेड है वो बहुत ही डिजी फील कर रहा था, घूम रहा था। आई वॉज गेटिंग डिजी, मुझे चक्कर से आ रहे थे। बट आई रिमेम्बर्ड द स्ट्रेटेजी, लेकिन राइटर का माइंड अभी भी काम कर रहा था, उनको वह स्ट्रेटेजी याद आई। आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम, कि मैं बॉटम पर जाऊंगा, फिर ऊपर की ओर को जंप उछलूंगा। एंड कम लाइक विद एंड कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस, और फिर वही बात फिर आपकी रिपीट हुई है, मैं कॉर्क की तरह सरफेस पर आऊंगा। आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर, स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स, थ्रेश विद माई लेग्स, मैं अपनी बाजुओं को चलाऊंगा, टांगों से पानी को काटूंगा। देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ, उस तरह से मैं पूल के किनारे तक आऊंगा और सेफ हो जाऊंगा। तो यह इस पूरे पोर्शन में आप देखेंगे कि एक्टिविटीज ऑफ द राइटर हैं, ये आपको लॉन्ग आंसर में आएगी। व्हाट डिड द राइटर थिंक एंड डू, फीलिंग्स एंड बॉडी। तो ये इन सारे, जब आपसे ये वाली इससे रिलेटेड कोई बात पूछी जाए तो आपको इन पैराग्राफ से आंसर अपना पिक करना होगा। इस पर्टिकुलर पैराग्राफ नंबर 9 पर आप लिखेंगे, इसका जो टाइटल लिखेंगे, आप लिखेंगे यहाँ पर, लिख लीजिए साइड में कि सेकेंड राउंड, यानी दूसरे राउंड में राइटर फिर नीचे जाने लगे। इसके बाद हम आते हैं पैराग्राफ नंबर 10 पर। पैराग्राफ नंबर 10 पर आप देखेंगे, आई वेंट डाउन एंडलेसली, आई ओपन माई आईज, मैं तो नीचे जा रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे नीचे जाने वाले रास्ते का कोई अंत ही नहीं है। आई ओपन माई आईज, मैंने अपनी आंखें खोली, नथिंग बट वॉटर विद अ येलो ग्लो, कुछ नहीं दिखा, दिखा तो सिर्फ पानी और वो भी एकदम पीला। अब ये पीला पानी क्या है? एक्चुअली जो ऊपर से सनलाइट आ रही है, हो सकता है धूप हो या ना हो, दिन की रोशनी हो, तो नीचे जाकर आपको येलोइश नजर आता है। ग्लो मीन्स उसका शाइन। डार्क वाटर दैट वन कुड नॉट सी थ्रू, और जैसे जैसे वो नीचे होता गया तो वैसे वैसे वो येलो ग्लो कम होता गया और डार्कनेस पानी में बढ़ती गई, जिसके आर पार आप नहीं देख सकते। तो आप लिख सकते हैं कि सीन अंडर वाटर, यहां पर आपको याद रह जाएगा कि नीचे जाने पर पानी का जो येलो ग्लो था वो डार्क में कैसे बदला। इसके बाद आते हैं हम पैराग्राफ नंबर 11 पर। एंड देन शियर स्टार्क टेरर सीज्ड मी, शियर मीन्स ओनली, स्टार्क मीन्स वेरी मच, टेरर मीन्स फियर, सीज्ड मीन्स कैप्चर्ड मी, और तब बहुत ज्यादा डर ने मेरे को जकड़ लिया, और वह मात्र डर ही हर जगह था। टेरर दैट नोज नो एंडिंग, यहाँ पर बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, ऐसा डर जिसका कोई अंत नहीं होता। टेरर दैट नोज नो कंट्रोल, वह डर जिस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। टेरर दैट नो वन कैन अंडरस्टैंड हु हैज नॉट एक्सपीरियंस इट, और ऐसा डर जिसे वो आदमी कभी नहीं समझ सकता जिसने कभी इसे अनुभव ना किया हो। आई वॉज श्रीकिंग अंडर वाटर, मैं चिल्ला रहा था पानी के नीचे। आई वॉज पैरालाइज्ड अंडर वाटर, मैं बिल्कुल निष्क्रिय हो गया था पानी के नीचे, स्टिफ अकड़ गया था, रिजिड टाइट हो गया था विथ फियर, डर से। इवन द स्क्रीम्स, मी चीखें इन माई थ्रोट, मेरे गले में वर फ्रोजन, जम गई थी। It means the writer was unable to do any activity because of stark terror.
ओनली माई हार्ट, केवल मेरा हृदय, एंड द पाउंडिंग इन माई हेड, जो मेरे दिल तक धड़कने पहुंचा रहा था, सेड दैट आई वॉज स्टिल अलाइव. मिस राइटर के माइंड में अभी भी ये विचार चल रहा था कि वह अभी भी स्टिल अलाइव, कि वह स्टिल अलाइव, कि अभी भी जीवित हैं. तो यहां पर आप इस पैराग्राफ का नाम रख सकते हैं री अटैक ऑफ टेरर. नाउ लेट्स बिगिन पैराग्राफ नंबर 12. एंड देन इन द मिस्ट ऑफ द टेरर केम अ टच ऑफ रीजन. और एक बार फिर तीसरी बार, जब ये बहुत ज्यादा राइटर दहशत में थे, तो फिर एक बार टच ऑफ रीजन मीन्स उनकी बुद्धि ने काम किया. आई मस्ट रिमेंबर टू जम्प. मुझे फिर याद आया कि जब मैं हिट करूंगा बॉटम को और फिर मैं ऊपर आऊंगा कॉर्क की तरह से, और फिर मैं फ्लोट करूंगा और सेफ एज तक चला जाऊंगा. आपको याद हो गया होगा, ये दो बार आया है और हमने सैंडल लाइन किया था. लास्ट आई फेल्ट द टाइल्स अंडर मी. और जैसे ही मैंने अपने पैरों के नीचे टाइल्स को फील किया, माय टोज रीच्ड आउट एज इफ टू ग्रैब देम. और जैसे मानो कि मेरी उंगलियां उसको ग्रैब करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रही थी. आई जम्प्ड विद एवरीथिंग आई हैड. मैंने पूरी कोशिश की कि मैं अपनी पूरी ताकत से नीचे से अपने बॉडी को ऊपर की तरफ पुश करूं और ऊपर आ जाऊं. अब क्या हुआ, अभी देखते हैं. तो यहां पर आप लिखिए अ टच ऑफ रीजन अगेन, यानी तीसरी बार फिर जो उसके रीजन का टच राइटर को मिला और उसने फिर दोबारा से ऊपर आने की सोची. अब थर्ड पैराग्राफ में हम यहां पर देखेंगे, बट द जंप मेड नो डिफरेंस, द सेम हैपन्ड एज इट वॉज इन द फर्स्ट, आफ्टर द फर्स्ट जंप. पहले वाले राउंड में जब राइटर ने जंप ली तो कोई डिफरेंस नहीं पड़ा था. सेकेंड टाइम भी वही हुआ. द वॉटर वॉज स्टिल अराउंड मी, पानी चारों तरफ था मेरे. आई लुक फॉर रोप्स, राइटर ने फिर अपने हाथों से रोप्स, लैडर्स, वाटर विंग्स को सर्च करने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगा. नथिंग बट वॉटर, कुछ भी नहीं, सिर्फ पानी, चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी था. अ मास ऑफ येलो वाटर हेल्ड मी, और इस भारी मात्रा में, पीले पानी की भारी मात्रा ने मुझे जकड़ लिया, हेल्ड कर लिया. स्टार्क टेरर, एक भयंकर टेरर, टूक एन इवन डीपर होल्ड ऑन मी, ने मेरे ऊपर बड़ी गहरी पहुंच बना ली. लाइक अ ग्रेट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे मानो कि आप बहुत ही तेज बिजली के करंट में फंस गए हों. आई शूक एंड ट्रेम्बल्ड, मैं कप कप आया और दहशत में रहा. विद फ्राइड, पूरी सेंटेंस में इंग्लिश के अलग अलग वर्ड्स यूज हुए हैं. तो शूक एंड ट्रेम्बल्ड का मतलब यहाँ कप कप आने से है, और फ्राइड डर, यानी मैं डर और दहशत से कप कप आया. माई आर्म्स वुडंट मूव, मेरी जो आर्म्स थी वो मूव नहीं कर रही थी. माई लेग्स वुडंट मूव, मेरी टांगे मूव नहीं कर रही थी. आई ट्राई टू कॉल फॉर हेल्प, मैंने मदद की लिए कॉल किया. टू कॉल फॉर मदर, मैंने मदर को कॉल किया. नथिंग हैपन्ड, कोई नहीं आया, कुछ घटित नहीं हुआ. मीन टू से इज कि जब हम किसी परेशानी में होते हैं तो हम माँ को याद करते हैं, उसी तरह से राइटर ने भी मदर को याद किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. अब आप जानेंगे अगले लेक्चर में कि क्या राइटर ऊपर आने में सफल हुए, राइटर ने क्या प्रयास किया ऊपर आने में, और क्या वह डूबकर किसी कैजुअल्टी का शिकार हो गए, क्या हुआ, ये जानेंगे आप इसके अगले लेक्चर में. तो जितनी भी अंडरलाइंस हमने की हैं, इनको आप अपने आंसर्स में मेन पॉइंट्स, की पॉइंट्स बनाएंगे. यहां पर चलते चलते हम आपको बता दें कि 13th पैराग्राफ का जो टाइटल होगा क्या होगा. इसका होगा जीरो रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट, जीरो रिजल्ट ऑफ द सेकंड रिटर्न. इस तरह का कुछ भी बना लेंगे कि दूसरे वाले जब वो नीचे पहुंचे बॉटम तक, तो उनके एफर्ट का, जो उन्होंने ऊपर आने के लिए प्रयास किया था जंप लेने में, वो बेकार गया. तो स्टूडेंट्स, होप सी यू सून. आपने इस लेक्चर में बहुत कुछ सीखा होगा, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप पा सकते हैं अपने सिलेबस से रिलेटेड दूसरे वीडियोस अच्छी तरह से. आई बटन में आपको ऐसा वीडियो मिलेगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, ज़रूर देखिएगा. शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल ओडिसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को. और एकेडमिक से लेकर के कॉम्पिटिटिव लेवल ऑफ इंग्लिश तक आप सभी टॉपिक्स इंग्लिश में कवर कर सकते हैं. कीप ऑन वॉचिंग ओडिसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज. थैंक्स फॉर बींग विद अस. थैंक्स अ लॉट.